लंबे इंतजार के बाद मेरी लाइफ सही ट्रैक पे आई है। आज से मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। दीपा, दीपा, कितना टाइम लगाओगी यार? कब से नहा रही हो तुम? कम आओ, हम ना आज भी लेट हो जाएंगे। बाहर निकलो तुम। वो तुम्हारी वजह से ना हम डेली लेट होते हैं। अच्छा, और तुम जो मुझसे पहले बाथरूम हाईजेक कर लेते हो उसका क्या? हाँ, कल से तो आई टेक बात उससे पहले, फिर देखते हैं कौन है लेट लतीफ। कल से तो मैं हुई नहीं, मोटी भूल गई ना, आज शाम को ही मैं ऑफिस से घर वापस जा रही हूँ। अरे हाँ, मैं भूल ही गई, कल से तेरी लाइफ का अल्टीमेट बैटल शुरू होने वाला है, युद्ध का शंखनाद। कल तेरी सगाई से। माय गॉड, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये देखो। वैसे हम देखो, देखकर लग नहीं रहा है कि कल तेरी सगाई है। कल तो पार्लर चले जाना एटलीस्ट, प्लीज। तू अपनी एडवाइस ना अपने पास ही रख, ओके? रामानुज लाइक्स द वे आई एम। सोलह जनवरी 2012 की शाम मैं एक ऐसे सफर की शुरुआत करने वाली थी जिसमें बीतने वाला हर एक पल उन उम्मीदों से भरा हुआ था जो अम्मा ने मुझसे लगा रखे थे। भीड़ और शोरगुल के बीच भी ये सफर मुझे अतीत की उन सारी यादों से जोड़ रहा था जिनसे मेरा बचपन से एक नाता था। लेकिन अब हर नाता 360 डिग्री का रिवर्स टर्न लेने वाला था। शादी के बाद तुम्हें जॉब छोड़नी पड़ेगी रामया। लेकिन ये मेरा फर्स्ट जॉब है, इट्स रियली स्पेशल टू मी। आई मीन, इसको क्विट करना मेरे लिए इतना आसान नहीं है रामानुज। मतलब शादी के बाद तुम अन्ना कलम में और मैं शोरनूर में? अरे हस्बैंड वाइफ का 300 किलोमीटर दूर रहना मतलब 300 तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। हाँ रामानुज, पर मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि शादी के बाद मैं अपने कोलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को, दीपा को और अर्नाकुलम शहर को बहुत मिस करूंगी। राम्या, तुम कुछ मिस नहीं करोगी, बिलीव मी, आई विल गिव यू हेवन। रामानुज, अम्मा का कॉल आ रहा है, मैं उनको बताना ही भूल गई कि मैं ट्रेन में चढ़ गई हूँ। आई विल कॉल यू बैक सून, ओके? ओके ओके। हाँ अम्मा। लेडीज कंपार्टमेंट में ही बैठी है ना राम्या? हाँ अम्मा, लेडीज कंपार्टमेंट में ही बैठी हूँ, आप टेंशन मत लो। अच्छा ठीक है, ध्यान से आना। और हाँ, सेंथिल तुझे लेने स्टेशन आ जाएगा, उसके साथ ही आना। ओके अम्मा। ये लो ना, सेवैया है। नो थैंक्स। अरे ले लो ना, थोड़ा शर्माओ मत, ले ले। थैंक यू। और थोड़ा ले ले। नहीं नहीं, थैंक यू। भगवान से बस अब यही कामना है कि मेरी खुशियों को किसी की नजर ना लगे और ये सफर आसानी से बीत जाए। रामे की ट्रेन आ गई? ट्रेन तो आ गई अम्मा, लेकिन चेची कहीं मिल नहीं रही। तू जरूर वहाँ पे लेट पहुँचा होगा। स्टेशन तो ट्रेन से पहले पहुँच गए थे अम्मा। फिर राम्या कहाँ है? उन्हीं को तो ढूंढ रहे अम्मा। अरे फोन करना फिर उसे, वही कहीं होगी। फोन बंद आ रहा है अम्मा, चार्जिंग खत्म हो गया होगा। तू ध्यान से देख उसे वहाँ। हाँ सेंथिल, राम्या का फोन नहीं लग रहा, घर आ गई वो? नहीं रामानुज, उनकी ट्रेन आ गई लेकिन चेची कहीं मिल नहीं रही। क्या? पर उसकी ट्रेन तो 11:30 को पहुंच जाती है और अभी 1 बज रहा है। अरे
सर मेरी सिस्टर राम्या ने एर्नाकुलम से शोरनूर वाला पैसेंजर ट्रेन पकड़ा था। ट्रेन 11:30 बजे स्टेशन पहुंच गई थी लेकिन चेची वहां नहीं पहुंची सर। ये तो रेलवे पुलिस का केस है, आपने वहां रिपोर्ट किया? सर पुलिस तो पुलिस होता है ना, एक तो मेरी चेची नहीं मिल रही। सर देखिए ये सब प्रोसीजर हमें पता नहीं है, प्लीज हेल्प अस। क्या वो सर मेरी मंगेतर राम्या एर्नाकुलम से शोरनूर की पैसेंजर ट्रेन से आ रही थी सर, ट्रेन 11:30 बजे पहुंच गई पर वो पहुंचे ही नहीं। वो एर्नाकुलम से ट्रेन में चढ़ी थी? हाँ सर, और करीब 9:30 बजे जब उसने मुरूर कारा क्रॉस किया था तब मेरी उससे फोन पे बात भी हुई थी। लेकिन सर चेची का फोन बंद आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं पहुंची। ठीक है हम लोग रेलवे पुलिस से कोऑर्डिनेट करते हैं। हेलो हेलो, मैं कालिंदी नगर पुलिस स्टेशन से PSN आयर बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ पे एक लड़की की मिसिंग कंप्लेंट आई, उसके घर वालों का कहना है कि वो लड़की शोरनूर रेलवे स्टेशन पे पहुंचने वाली थी पर वहाँ से वो घर तक पहुंची नहीं। क्या आपके पास ऐसी किसी लड़की की कोई इन्फॉर्मेशन है? एर्नाकुलम शोरनूर पैसेंजर ट्रेन आने के बाद उस ट्रेन के 2 पैसेंजर्स ने हमें बताया था। सर हम लोग लेडीज कंपार्टमेंट के आगे वाले कोच में थे, वल्लमिल क्रॉस होने के 10-12 मिनट बाद मैंने एक लड़की को लेडीज कंपार्टमेंट से जंप करते हुए देखा सर। हमें उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे लेडीज कंपार्टमेंट खाली होगा, वैसे भी वल्लमिल स्टेशन आते आते ट्रेन लगभग खाली हो जाती है। हमें ऐसा लग रहा है जैसे लड़की ने सुसाइड किया होगा। क्या उस लड़की की बॉडी आपको मिली है? हमें अभी तक लड़की की बॉडी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है लेकिन हमारी टीम रेलवे ट्रैक्स पे उसे सर्च करने की कोशिश कर रही है। सेंथिल राम्या कहाँ है? रामानुज राम्या कहाँ है? तुम लोग उधर जाओ, उधर देखो। हाँ सर। क्या ध्यान से देखो? नहीं सर, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। उधर उस तरफ देखते रहो तुम। एक मिनट अरे ये इधर आओ। राम्या अगर ट्रेन से कूदी थी तो उसको ट्रैक के पास मिलना चाहिए था लेकिन वो ट्रैक से इतने दूर मिली कैसे? हमें लगता है ट्रेन से कूदने के बाद राम्या जिस स्पॉट पे गिरी होगी वहां से उसे ड्रैग करके दूसरी जगह पे ले जाया गया होगा। राम्या हमें जिस जगह पर मिली उस वक्त उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, शायद उसके साथ रेप किया गया हो। आपका कहना है राम्या जब ट्रेन से गिरकर बुरी तरह जख्मी हुई थी और जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी तब उसके साथ उस हालात में किसी ने रेप किया? वी गेस ये रेप नहीं गैंग रेप हो सकता है। हो सकता है एक से ज्यादा लोग उसे ट्रैक से खींच कर ले गए हों और उसके साथ गैंग रेप किया हो। क्या हुआ सर? कहाँ है मेरी राम्या? क्या हुआ उसे? यहाँ क्यों लेके आए उसे? देखिए राम्या ट्रेन से गिरने के बाद बुरी तरह जख्मी हुई है और मुझे शक है कि शायद उसके साथ गैंग रेप हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? तो पहले तो आप कह रहे थे कि सुसाइड है और अब आप कह रहे हैं कि रेप? देखिए हमें शक है कि शायद राम्या ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। नहीं नहीं, मेरी राम्या कभी सुसाइड नहीं कर सकती, वो कोई और लड़की होगी जिसे आप राम्या समझ रहे हो। देखिए हम खुद हैरान है कि कोई आदमी इतना वहशी कैसे हो सकता है कि जो लड़की जख्मी है जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है उसके साथ वो रेप करे। 16 जनवरी 2012 की रात रम्या के लिए जितनी भयानक थी उतना ही दिल दहलाने वाला उसके साथ अपराध हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए ये केस रेलवे पुलिस से कालिंदी नगर पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया था। सिस्टर, हाउ इज शी नाउ? शी इज वेरी क्रिटिकल सर, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। रामा की फैमिली लगातार यही कह रही है कि रामा सुसाइड नहीं कर सकती और जो गैंगरेप की बात सामने आई है वो भी चौंका देने वाली है। एक काम करो, RPF की टीम द्वारा स्पॉट पे चले जाना, जिस बोगी से रामा ट्रैवल कर रही थी उस बोगी को दोबारा से चेक करो। सर
पूरे कंपार्टमेंट को अच्छे से चेक करो, जो भी एविडेंस लगता है कलेक्ट करो उसे। सर दोनों बटन सेम लग रहे हैं, हो सकता है सेम शर्ट के हो। ब्लड स्टेन्स, संजीव फोरेंसिक टीम को बुलाओ और इस ब्लड को राम्या के ब्लड के साथ मैच करके देखने को बोलो। सर हमें यहीं पे उस लड़की की लाश मिली थी। ये ट्रेल है, अब लड़की उस तरफ गिरी थी। हो सकता है लड़की यहां सीधे इस पत्थर पे गिरी और यहां से उसे वहां तक खींच के ले जाया गया और वहां ले जाके उसके साथ गैंगरेप हुआ। देखिए रात में अंधेरा होने की वजह से हमें पता नहीं चल पाया कि राम्या यहां पे गिरी होगी। क्राइम सीन पर जो भी सबूत मिले उससे तो यही लगता है कि राम्या के साथ रेप तब हुआ था जब वो जख्मी थी। रेलवे कंपार्टमेंट में स्ट्रगल के निशान मिले थे, मतलब राम्या का ट्रेन से गिरना सुसाइड अटेम्प्ट नहीं बल्कि अटेम्प्ट ऑफ मर्डर था। ये बटन्स राम्या के कपड़ों के नहीं लगते। और हेयर क्लिप, राम्या ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी तो उसके पास लगेज भी जरूर होगा, जो ना ही हमें क्राइम सीन पर मिला और ना ही ट्रेन में। राम्या के साथ सिर्फ रेप नहीं, उसके साथ लूट भी हुआ। करेक्ट, राम्या का पर्स बैग वॉलेट हमें कुछ नहीं मिला। राम्या लेडीज कंपार्टमेंट में ट्रैवल कर रही थी और उसी कंपार्टमेंट में हमें खून के निशान भी मिले थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी औरत ने राम्या को लूटने की कोशिश की, उसी औरत ने राम्या को लूटा और चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। लेकिन सर फिर उन दो लोगों ने आरपीएफ से ये क्यों बोला कि उन्होंने राम्या को ट्रेन से छलांग मारते हुए देखा? फिलहाल राम्या तो स्टेटमेंट देने के हालत में नहीं, लेकिन क्राइम सीन से जो भी एविडेंसेस मिले हैं उससे थ्योरी तो यही बनती है कि राम्या को चलती ट्रेन से धक्का दिया, उसे लूटा गया और जख्मी हालत में उसके साथ गैंग रेप हुआ। और इन वारदातों को अंजाम देने वाले लोगों को हमें ढूंढना है। उस एरिया में जाके पूछताछ करो जहां हमें जख्मी हालत में राम्या मिली थी। ये काम उसी एरिया के उठाई गिरोह का हो सकता है। और वो दो लड़के जिन्होंने रेलवे पुलिस में राम्या के बारे में कंप्लेंट लिखवाई थी उनसे कहो आखिर मिले। सर एक्सक्यूज मी सर, मीडिया वाले को इस केस के बारे में पता चल गया है। कल 16 जनवरी की रात एर्नाकुलम शोरनूर पैसेंजर से सफर कर रही एक लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर कौन होंगे वो दरिंदे जिन्होंने एक ऐसी लड़की के साथ गैंग रेप किया जो लहूलुहान हालत में जिंदगी और मौत से लड़ रही थी? पहले जिसे रेलवे पुलिस सुसाइड का केस मान रही थी, अब वो केस गैंग रेप और अटेम्प्ट टू मर्डर का भी समझा जा रहा है। पैसे ट्रांसफर कर दिए, रेंट दे देना। अरे रेंट का पैसा तो सेंथिल ने अरेंज कर लिया था, इस पैसे से हम तुम्हारी सगाई की शॉपिंग कर लेंगे। अम्मा आप कॉफी पी रही है ना? तुझे कैसे पता चला? बस आपकी कॉफी की स्मेल शोनूर से अर्नाकुलम तक आती है। बहुत मिस करते आपकी कॉफी को, वर्ल्ड में आपके जैसी कॉफी ना कोई नहीं बना सकता। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा मस्का मत लगा। शोनूर कब आ रही है? अगले हफ्ते तुम्हारी सगाई है और तुम अभी भी वही हो।
सगाई से पहले अपनी अम्मा के साथ वक्त नहीं बिताओगी? सगाई के बाद ना एक हफ्ता मैं सिर्फ आपके साथ रहूंगी, आपकी कॉफी और हम खूब बातें करेंगे। अम्मा अब रात भर नहीं सोए, घर जाकर थोड़ा आराम कर लो। मेरी रामया ने रात भर कुछ खाया नहीं, जे जाके उसके लिए नाश्ता लिया। अम्मा चच्ची को ग्लूकोज लगा है, अब घर जाकर आराम कर लो। तुझे बोला था रामया को एर्नाकुलम जाके ले आ, कैसा भाई है तू, खुद जाके ले आता तो आज रामया। जिन दो लोगों ने रेलवे पुलिस में रामे की ट्रेन से गिरने की कंप्लेंट लिखवाई थी उनका फोन ही नहीं बल्कि घर भी बंद है। सर वो दोनों सुबह से गए, आस पड़ोस से भी उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। अगर इनका फोन और घर दोनों बंद है तो हो सकता है कि रामे के साथ जो कुछ भी हुआ है इसमें ये दोनों इन्वॉल्व हो। इन दोनों का फोन सर्वेलेंस पे डाल दो और ढूंढ कर निकालो ये दोनों है कहां। जी सर। रेलवे पुलिस को कंप्लेंट लिखवाने वाले रंजीत और स्वामी नाम के लड़कों का गायब होना उनकी भूमिका संदिग्ध बना रहा था। वहीं क्राइम सीन के आसपास के इलाकों के जेब कतरे, चोर उचक्के और उठाई गिरोह को भी राउंड अप किया जा रहा था और जल्द ही उन दोनों लड़कों में से एक रंजीत का फोन ऑन हुआ। सर मैंने तो खुद रेलवे पुलिस को कंप्लेंट लिखा करके अपना फर्ज निभाया था, अब आप लोग मुझ पे ही शक कर रहे हैं। तुझ पे शक इसलिए कर रहे क्योंकि तू फोन बंद करके गायब हो गया था। सर मैं बीएससी का स्टूडेंट हूँ, एग्जाम देने गया हुआ था और सर एग्जाम हॉल में फोन यूज करना अलाउड नहीं है इसलिए मैंने अपना फोन बंद कर रखा था। तेरा वो दोस्त वो भी गायब है जिसके साथ मिलकर तू रेलवे पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने गया था। सर वो मेरा दोस्त नहीं है, हम लोग बस सर साथ में उसी ट्रेन में शोरनूर जा रहे थे जिस ट्रेन से उस लड़की ने छलांग लगाई थी। तो तूने अपने डिब्बे से उस लड़की को लेडीज कंपार्टमेंट से कूदते हुए देखा था? नहीं सर मैंने नहीं देखा था, वो उसी दूसरे लड़के ने देखा था। ऐसा तो नहीं कि उस लड़की को ट्रेन से उस लड़के ने धक्का देते वक्त तूने देखा था? नहीं सर मैंने बोला ना हम सर दूसरे कंपार्टमेंट में थे, सर मैंने तो लड़के को देखा तक नहीं था लेकिन हाँ सर लेडीज कंपार्टमेंट से किसी लड़की की चीख सुनाई दे रही थी हमें। बचाओ! बचाओ! तेरे को आवाज आई कोई? हाँ आवाज आ रही है। लगता है लेडीज कंपार्टमेंट से आवाज आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है वहाँ पे। हाँ मुझे भी लगता है आवाज इधर ही से आ रही है। क्या हुआ? अंकल लेडीज कंपार्टमेंट से आवाज आ रही है, कुछ तो प्रॉब्लम है। मैं काम करता हूँ, मैं चेन खींचता हूँ। स्टॉप! वो लड़की कूद गई ट्रेन से। क्या? क्या मैंने अभी देखा उसे। सर मैं तो खुद ट्रेन की चेन खींचना चाहता था पर उस लड़के ने मुझे रोक दिया, बोला कि लड़की कूद गई है और हम शोरनूर उतर करके रेलवे पुलिस को सब बता देंगे। तुम लोगों ने लड़की की चीखें सुनी थी, उसको ट्रेन से कूदते हुए देखा था, फिर शोरनूर स्टेशन पे रेलवे पुलिस को पूरी बात क्यों नहीं बताई थी? सच सच बता दे, क्या कांड किया था उन दोनों ने मिलकर उस लड़की के साथ? सर हमने कुछ नहीं किया है सर, सर हमें तो उस लड़की की परवाह थी तभी तो हमने रेलवे पुलिस को सब बता दिया था। सर ये कोई साजिश लगती, तभी तो इस रंजीत का जोड़ीदार गायब। रंजीत का कहना है कि स्वामी उसका दोस्त नहीं है। एक काम करो रंजीत और स्वामी दोनों के कॉल रिकॉर्ड निकालो और पता करो वाकई एक दूसरे को नहीं जानते या रंजीत कोई कहानी बना रहे हैं, और इस स्वामी को ढूंढो और हॉस्पिटल जाके पता करो कि राम्या की कंडीशन कैसी है। इस केस में राम्या का स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। रामानुज राम्या कैसी है? वो ठीक नहीं है दीपा, काफी इंजरी सा, और न्यूज की अब क्या होगा? सेंथिल कहाँ है? चेची चेची क्या हुआ, क्यों नॉइस पोल्यूशन बढ़ा रहा है? अरे वो टी शर्ट नहीं मिल, ये टी शर्ट हमने अपने लिए लाया तो तुम पहन के रखियो। मुझे लगा तो मेरे लिए लेके आया, येलो मेरा फेवरेट कलर है ना। तो क्या हर येलो चीज आपकी हो जाएगी क्या? ओके लेट इट बी, अब मैंने पहन लिया ना, कल मैं तेरे लिए एक नया दूसरा टी शर्ट लेके आऊंगी, प्रॉमिस। नहीं मुझे अभी चाहिए, जस्ट नाउ। छोड़ना यार। नो नो अभी चाहिए। फाइन ये ले तेरी टी शर्ट, मेरी ही गलती थी कि मैंने तुझसे कुछ एक्सपेक्ट किया।
हेलो सर। जी सर, मुझे पता है कि मैटर बहुत सीरियस है एंड वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट सर। ओके सर। सर मेरी फोरेंसिक टीम से बात हुई, ट्रेन के डिब्बे में जो खून के धब्बे मिले थे वो राम्या के खून के साथ मैच करते हैं। मतलब यही बात तो कंफर्म है कि उस रात उस ट्रेन में राम्या को किसी ने मारने की कोशिश की, शायद लूट भी वहीं हुई है। सर जहाँ राम्या मिली थी उस एरिया के सभी पॉकेट मार और हिस्ट्री शीटर्स को हमने राउंड अप किया, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा। पर वहाँ रंजीत भी अपना पुराना राग अलाप रहा है। रंजीत तो स्वामी के कॉल रिकॉर्ड्स को हमने चेक किया लेकिन कुछ मिला नहीं। सर मैं पता नहीं क्यों मुझे ऐसा बार बार लग रहा है कि रंजीत और स्वामी एक दूसरे को पहले से जानते हैं। हाँ मैडम बोलो। सर स्वामी के रिलेटिव से स्वामी के बारे में पता चला है। उठाकर लेकर आओ इस स्वामी को। सर गैंगरेप की न्यूज सुन के मुझे लगा कि मैं भी फंस जाऊंगा, इसलिए डर के मारे बिल में छुप गया था। अब बिल से बाहर आया है ना, अब सच बोल दे। चल बोल जल्दी। सर मैंने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया जो आप ऐसे बोल रहे हो। सर इसीलिए कोई पुलिस को कंप्लेंट नहीं करता है, क्योंकि आप लोग क्रिमिनल को पकड़ने के बजाय शरीफ लोगों को परेशान करते हो। तेरे चेहरे पे तो लिखा नहीं है कि तू शरीफ है या शातिर। मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ सर, मैं बस उस लड़की की चीख सुन के दरवाजे की तरफ गया था और मैंने देखा वो लड़की ट्रेन से कूद गई है। सर इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। सर प्लीज़ सर मुझे घर जाने दो। आप घर जाने की बात तो भूल ही जा। लड़की खुद ट्रेन से कूदी थी या तूने और तेरे दोस्त ने उसके साथ कुछ किया था? सर वो लेडीज कंपार्टमेंट में थी। और उसी लेडीज कंपार्टमेंट में खून के धब्बे भी मिले। तेरा दोस्त बता रहा था कि वो लड़की खूब चिल्ला रही थी। हाँ सर चिल्ला तो रही थी। बचाओ! बचाओ! तेरे को आवाज आई कोई? हाँ आवाज आ रही है। सर मैं मानता हूँ तब मैंने चैन खींचने के लिए मना किया, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं वापस बाहर की तरफ गया तो मैंने देखा। क्या हुआ? अरे वो जो बिकानी था ना एक हाथ वाला, वो लेडीज कंपार्टमेंट में से कूद गया। एक हाथ वाला आदमी? लेकिन ये एक हाथ वाले आदमी की बात रंजीत ने हमें क्यों नहीं बताई? सर मुझे नहीं पता सर, लेडीज कंपार्टमेंट से वो एक हाथ वाला आदमी भी कूदा था और सर जिसने देखा था उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया था। हाँ लेकिन सर मैं वो एक हाथ वाले आदमी को अपने कंपार्टमेंट में देखा था। तुम बोल रहे हो एक हाथ वाला आदमी तुम्हारे कंपार्टमेंट में था, लेकिन स्वामी बोल रहा है कि वो लेडीज कंपार्टमेंट से कूदा था। ऐसा मैंने कब बोला सर, वो तो मुझे दूसरे आदमी ने बोला था। वो एक हाथ वाला आदमी तुम्हारे कंपार्टमेंट में था ना, तो उतर के लेडीज कंपार्टमेंट में कब गया? सर ये तो मुझे नहीं पता सर, वो कब हमारे कंपार्टमेंट से उतर कर लेडीज कंपार्टमेंट में चला गया, लेकिन सर उसने कुछ किया होगा। रामा के साथ जो कुछ भी हुआ वो वालामीर और सोनू स्टेशन के बीच हुआ। मुझे लगता है कि ये एक हाथ वाले आदमी का सस्पेंस ये लोग खुद को बचाने के लिए कर रहे हैं। इन दोनों का डीएनए टेस्ट करवा, मुझे तो लगता है कि इस रेप में ये दोनों ही इन्वॉल्व है, और इन दोनों से उस आदमी का स्केच बनाओ और लेकिन अलग अलग बिठा कर देखते इनके दिमाग में जिस आदमी की तस्वीर है वो वाकई में है भी या नहीं, और सोनू स्टेशन जाके पता करो कि उस दिन उस कंपार्टमेंट में इनके साथ कौन कौन ट्रैवल कर रहा था। सर दोनों स्केचेस लगभग एक जैसे हैं, मतलब ये एक हाथ वाला आदमी वाकई में है। सर शर्नूर रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। सर लड़कों का कंपार्टमेंट लेडीज कंपार्टमेंट के पीछे है और यहाँ रंजीत और स्वामी के साथ और दो लोग उतरे हैं। जूम करो। हाँ सर यही वो आदमी है जिसने उस लड़की के ट्रेन से कूदने के बाद मुझे बताया था कि एक हाथ वाला आदमी लेडीज कंपार्टमेंट से कूदा था। इस केस में अब एक ऐसे शख्स का जिक्र हो रहा था जिसके होने न होने को लेकर पुलिस को संदेह था, और ये सवाल अब भी कायम था कि रम्या के साथ ट्रेन में जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसका गैंगरेप वल्लामीर और शोनूर के बीच रेलवे ट्रैक्स के पास जख्मी हालत में किया गया, लेकिन जो उस रात शोनूर स्टेशन पर उतरे थे उन लोगों को रम्या के गैंगरेप से जोड़ना असंभव को संभव मान लेने जैसी अतिशोक्ति थी। लेकिन स्वामी का बयान भी अतिशोक्ति से कम नहीं था कि रम्या के ट्रेन से गिरने के बाद लेडीज कंपार्टमेंट से एक कटे हाथ वाला आदमी चलती ट्रेन से कूदा था, उसको कूदते हुए देखने वाले की पहचान की गई और उसको भी पुलिस स्टेशन बुलाया गया। हाँ सर यही वो एक हाथ वाला भिखारी था जो उस दिन लेडीज कंपार्टमेंट में से कूद गया था। जब मैंने लड़की की चीख सुनी तो मैं दरवाजे पे गया। अयो अयो क्या कर रहे है? अयो टूटना नहीं। ओए तो ये एक हाथ वाला भिखारी खुद चलती ट्रेन से कूदा था? हाँ सर मैंने कूदते हुए देखा था उसको, लेकिन लड़की को कूदते हुए नहीं देखा था सर। लेकिन रंजीत और स्वामी तो कह रहे थे कि ये एक हाथ वाला भिखारी तुम्हारे कंपार्टमेंट में था, और तुम कह रहे कि वो लेडीज कंपार्टमेंट में था। हाँ सर वो पहले हमारे कंपार्टमेंट में ही था,
लेकिन हो सकता है कि वो वल्ला मिल में उतर गया हो और लेडीज कंपार्टमेंट में चला गया हो। तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये आदमी पहले तुम्हारे कंपार्टमेंट में था, वहां से उतर कर वो लेडीज कंपार्टमेंट में गया, उसने रम्या को धक्का दिया और फिर खुद चलती ट्रेन से कूद गया। सर मैंने तो बस उस एक हाथ वाले आदमी को चलती ट्रेन से कूदते हुए देखा था, बाकी क्या हुआ मेरे को नहीं मालूम सर। बाकी बहुत कुछ हुआ है अर्जुन जी, ट्रेन से गिरने के बाद लड़की को झाड़ियों के बीच घसीट कर लेकर गए और उसके साथ गैंगरेप हुआ है। जब न्यूज में आया था तो मैंने भी देखा था और बाद में मेरे को रियलाइज हुआ था कि हम तब बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया। क्यों नहीं किया बताओ? क्योंकि इन सब में तुम लोग भी इन्वॉल्व हो। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मुझे लगता है इन सब के पीछे इस एक हाथ वाले भिखारी का ही हाथ है। हाँ सर, एक हाथ कटा हुआ आदमी मल्लूरपुरम स्टेशन से हमारे कंपार्टमेंट में आके बैठा था, लेकिन सर ट्रेन से कूदते हुए मैंने ना उस आदमी को देखा था ना उस लड़की को। आपने उस लड़की की चीखें सुनी थी? हाँ सर, जितने भी लोग कंपार्टमेंट में थे ना सर, सब लोगों ने सुनी थी कि वो लड़की चीख रही थी। तो ये एक हाथ कटा आदमी का हाथ? सर वो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन हाँ सर जब लड़की की आवाज़ आई थी ना तब वो आदमी हमारे कंपार्टमेंट में नहीं था। आपको पता था कि आपके बाजू के कंपार्टमेंट में एक लड़की मुसीबत में, आपको एक बार भी नहीं लगा कि उस लड़की की मदद करनी चाहिए? वो क्या है ना सर, एक लड़का बोला कि वो लड़की चलती ट्रेन से कूद गई, मेरी समझ में नहीं आ रहा सर कि वहाँ क्या हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको समझ में तो सब कुछ आ रहा था, लेकिन उन लड़कों के डर से बोल वही रहे हैं जो उन लड़कों ने बोलने को बोला है? नहीं नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर। हाँ सर ये वही आदमी है जिसका हाथ कटा हुआ था। सर ये चारों बोल रहे हैं कि उन्होंने उस तरह ट्रेन में इस एक हाथ वाले आदमी को देखा था और इनडायरेक्टली इशारा भी इसी की तरफ कर रहे हैं। मुझे इन चारों की झूठ बोलने की पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती, मैंने इनके रिकॉर्ड चेक किए, ये चारों एक दूसरे को नहीं जानते। नायर रामे के साथ गैंग रेप हुआ है, हम इन चारों पर ऐसे ही भरोसा नहीं कर सकते, इनका भी डीएनए टेस्ट कराओ। सर एर्नाकुलम शोनूर पैसेंजर ट्रेन के लेडीज कंपार्टमेंट से रम्या की बिलखती चीखें सुनने वाले, रम्या को ट्रेन से गिरता हुआ देखने वाले और उस एक हाथ वाले आदमी को इन अपराधों का प्राइम सस्पेक्ट बनाने वाले, वो चारों पैसेंजर्स अब शक के दायरे में थे। पर पुलिस की ये थ्योरी कि रम्या का गैंग रेप हुआ था, इस थ्योरी को अब एक ऐसा झटका लगने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सर रम्या के मेडिकल रिपोर्ट देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ है कि उसका गैंग रेप नहीं हुआ था, बल्कि एक ही आदमी का इन्वॉल्वमेंट है उसके रेप में। लेकिन डॉक्टर साहब रम्या जिस कंडीशन में मिली थी और अभी जो उसकी हालत है, उसे देखकर लगता नहीं कि ये एक ही आदमी का काम है? सर रम्या के बॉडी से जो हमें डीएनए सैंपल मिला है वो सिर्फ एक ही आदमी का है जिसने उसका रेप किया था। सर उसकी कंडीशन में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, पर फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्लीज डॉक्टर डू समथिंग, सिर्फ रम्या ही हमें बता सकती है कि उसके साथ क्या हुआ था और किसने ये सब कुछ किया था। बोलना बेटा, बोलना रम्या, मुझसे बात कर, अपनी अम्मा से बात कर। मैम आप प्लीज बाहर जाइए, हमें कुछ टेस्ट करने हैं। वो चारों अपने बयान पे कायम है कि ये आदमी उस लेडीज कंपार्टमेंट में था जहां रम्या का ब्लड मिला, और रम्या के ट्रेन से गिरने के बाद इसे भी ट्रेन से कूदते हुए देखा गया, और रम्या के बॉडी पर भी एक ही आदमी का डीएनए सैंपल मिला है। कि ऐसा तो नहीं कि इसी ये एक हाथ वाला आदमी एक घायल लड़की को ट्रैक से करीब 200 मीटर दूर तक घसीट के ले जाना और वहां उसके साथ रेप करना, सर कैसे हो सकता है? लेकिन इसने ये नहीं किया, किसी दूसरे आदमी ने किया है, तो उस दूसरे आदमी का हमारे पास कोई क्लू नहीं है। नार कैसे भी करो पता करो ये आदमी है कौन। उस रात उस कंपार्टमेंट में जो कुछ भी हुआ था या तो रम्या बता सकती है या फिर ये आदमी। सर
Ramya. Hey Ramya. Please, somebody. We tried our best. बच्ची को अपने दर्द से और मुक्ति तो उसे तभी मिलेगी जब उसके कल्प्रिट को सजा होगी। हेलो, नाटक बंद कर दिया। एक लड़की के साथ ट्रेन में मारपीट की, उसको चलती ट्रेन से फेंक दिया, उसके बाद उसका रेप भी किया। हाँ साहब, मैं मेरे को देखो साहब, मैं ऐसी हालत में रेप कर सकता हूँ साहब? मेरे को मालूम है, आप लोग पुलिस वाले हैं, आप लोग बड़े आदमियों को बचाने के लिए मुझ जैसे गरीब आदमी को फांसी चढ़ा देंगे, लेकिन साहब मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। तू ऐसे मुंह नहीं खोलेगा, इसकी अच्छे से खातिरदारी करो। साहब क्या कह रहे हो साहब? आप चिंता मान लो साहब, झूठ नहीं बोलूंगा। सर, राम्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उसकी मौत सर पे गहरी चोट लगने की वजह से हुई। जब राम्या को अस्पताल ले जाया गया था तो उसकी ग्लासगो कोमा स्टेट मतलब GCS 4 थी। एक मरे हुए आदमी की GCS 3 होती है और एक जिंदा आदमी की 15। मतलब राम्या को जब अस्पताल में ले जाया गया तो ऑलरेडी वेजिटेटिव स्टेट में थी। इसमें लिखा है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन के हिसाब से राम्या को जब हॉस्पिटलाइज किया गया था, शी वाज ऑलमोस्ट डेड। जी सर, और इन सब में ये समझ में नहीं आ रहा कि अरविंद जो कुछ सिंगल बस ली और एक हाथ वाला, वो राम्या की इतनी बुरी हालत कैसे कर सकता है, वो भी अकेले। ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ट्रेन के बाकी 4 पैसेंजर के मुताबिक अरविंद उस वक्त ट्रेन में था, और अगर अर्जुन की बात माने तो अरविंद उस वक्त लेडीज कंपार्टमेंट में था जहां राम्या पर हमला हुआ था और वो ट्रेन से कूदी थी। और अर्जुन झूठ क्यों बोलेगा, इसका कोई ठोस कारण हमारे पास है नहीं, और वहां अरविंद के घर से भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। फिलहाल ये अरविंद हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। एक काम करो, इसका DNA टेस्ट करवाओ, अगर राम्या के बॉडी पर मिले सैंपल से इसका DNA मैच कर जाता है तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगा कि ये रेप अरविंद ने ही किया है। सर, एक तरफ पुलिस अरविंद को रेप का दोषी साबित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ अरविंद को बचाने के लिए एक योजना तैयार की जा रही थी। मैं जिस केस में भी हार डालता हूँ उसे जीत ही लेता हूँ, लेकिन आपको मालूम है मेरी फीस कितनी है? अफोर्ड कर लोगे मुझे? ठीक है, मैं पहले अरविंद की बेल करवाता हूँ, अगला प्रोसेस बाद में बताऊँ। सुनवाई है और अरविंद को फांसी की सजा दिलाई जाने की मांग की जा रही है। स्टेट के सबसे फेमस और क्रिमिनल लॉयर BP कुकुनर अरविंद को डिफेंस कर रहे हैं। उनका मानना है कि अरविंद इनोसेंट है। मैम, अरविंद को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप या कोर्ट में बैठा कोई भी आदमी ये मानने को तैयार होगा कि इस 40 किलो के आदमी ने एक 52 किलो की लड़की को असॉल्ट किया। मतलब पहले उसे ट्रेन से नीचे फेंका, फिर खुद नीचे कूदा और जख्मी हालात में उस लड़की को 200 मीटर ट्रैक से घसीटकर दूर ले गया और उसके साथ रेप किया, वो भी एक हाथ से। हाउ इट इज पॉसिबल मैम? दिस इज नथिंग बट इनकॉम्पिटेंस। पुलिस को कोई कल्प्रिट नहीं मिला तो अपनी नाक बचाने के लिए उन्होंने ऐसे ही रैंडम एक वीक आदमी को पकड़ा और लाके आपके सामने खड़ा कर दिया। मैडम, अरविंद के बल्ला मील में लेडीज कंपार्टमेंट में घुसते ही ट्रेन में मौजूद 4 लोगों ने राम्या की चीख सुनी। लेडीज कंपार्टमेंट में और रेलवे ट्रैक पर जो ब्लड स्प्लैटर मिला था वो भी राम्या के ब्लड सैंपल से मैच करता है, और जब राम्या ट्रेन से कूदी अरविंद भी कूदा। इससे ये प्रूव होता है कि अरविंद ने ही राम्या को असॉल्ट किया था।
क्योंकि उस वक्त ट्रेन के कंपार्टमेंट में राम्या और अरविंद के अलावा कोई नहीं था। ये सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं। एक्चुअली नोबडी सॉ नथिंग, कुछ हुआ ही नहीं, ना असॉल्ट ना रेप, बस सिर्फ चीखें सुनी। मैडम ये लेडीज कंपार्टमेंट में मिले एविडेंस हैं। इसमें उसी शर्ट के बटन्स हैं जो लेडीज कंपार्टमेंट में मिले। चार लोगों ने देखा था उस रात अरविंद को, एंड दे कैन टेस्टिफाई। मैम आई थिंक ये चारों लोग मिले हुए हैं, मे बी दे रेप्ड हर। लेकिन रेप करने वाला एक ही था, और अरविंद था या नहीं ये इसके डीएनए टेस्ट से क्लियर हो जाएगा। मैडम हमारे पास एक और विटनेस है जिसने अरविंद को राम्या पर नजर रखते हुए देखा था। अभिदा जी प्लीज आइए। साहब हम देखे थे इस आदमी को, हम अपनी पोती के लिए बिस्कुट लेने प्लेटफॉर्म पर उतरे थे और ये हवस भरी नजरों से हमें घूर रहा था। फिर उसकी नजर राम्या पर पड़ी, वो उसे भी वैसे ही नजरों से देख रहा था। हमने राम्या को बोला भी कि अगर अगले स्टेशन पर डिब्बा खाली हो जाए तो वो दूसरे डिब्बे में चली जाए, लेकिन उसने कहा कि सिर्फ दो स्टेशन की तो बात है और हम अगले स्टेशन पर उतर गए। मैम अगर आबिदा जी जैसी नजर पहचानने की ताकत हर लड़की में आ जाए तो इस दुनिया में रेप हो ही ना, क्यों? ये अरविंद का कैरेक्टर असैसिनेशन है और कुछ भी नहीं। मैडम हमारे पास एक और विटनेस है, आइए प्लीज। जिस रात राम्या का रेप हुआ था उस रात हमने इसको वहां देखा था। ए, इधर से आ रहा है। उस रात इसने क्रीम कलर का शर्ट और नीले रंग की लुंगी पहनी हुई थी और शर्ट के बटन खुले हुए थे। आप जा सकते। कंपार्टमेंट में मिले बटन्स और विटनेसेस के बयान से यह साबित होता है कि अरविंद लेडीज कंपार्टमेंट में मौजूद था, उसने राम्या को असॉल्ट किया, रेप किया और उसे क्राइम स्पॉट से अकेले आते हुए देखा गया। मैं अदालत से अपील करता हूँ कि अरविंद को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आपने डीएनए टेस्ट करवाया? जी मैडम, लेकिन रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। द कोर्ट इज एडजर्न टिल नेक्स्ट वीक। इस केस में अरविंद का दोषी होना ना होना उसकी डीएनए रिपोर्ट पर निर्भर समझा जा रहा था, और जल्द ही डीएनए रिपोर्ट सामने आई। राम्या के नाखून में जो स्किन थी उसका डीएनए अरविंद से मैच करता है, और राम्या के शरीर पर पाए गए डीएनए सैंपल्स भी अरविंद से मैच होते हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और डीएनए रिपोर्ट्स के अनुसार अरविंद कुरूप ने ही राम्या अय्यर का रेप किया है। कोर्ट फाइंड्स हिम गिल्टी। मैडम इसके क्राइम्स यहीं खत्म नहीं होते। अरविंद रिपीटेड ऑफेंडर है, ट्रेन थेफ्ट, रॉबरी, मोलेस्टेशन और इनडिसेंट बिहेवियर जैसे कई इंसिडेंट्स हैं इसके खिलाफ, एंड ही हैज नो गिल्ट। अरविंद एक होपलेस एग्जाम्पल है ह्यूमैनिटी के लिए, एंड प्रोसिक्यूशन रिक्वेस्ट कि इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए कैपिटल पनिशमेंट दी जाए। कैपिटल पनिशमेंट रेप के लिए? रेप एंड मर्डर। मगर मर्डर तो कहीं प्रूव ही नहीं हुआ, कोई भी एविडेंस ये स्टेट करता ही नहीं है। ऑफ कोर्स करता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से राम्या अय्यर की मौत सर पर गहरी चोट लगने की वजह से हुई, और डॉक्टर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राम्या को जब हॉस्पिटल लाया गया तो उसका ग्लासगो कोमा स्केल यानी कि GCS सिर्फ 4 था। एक मरे हुए इंसान का GCS 3 होता है और जिंदा इंसान का 15। राम्या अय्यर ट्रेन से गिरते ही वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी, और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन और इवेल्युएशन को देखा जाए तो राम्या अय्यर वॉज ऑलमोस्ट ए डेड बॉडी जब उसे हॉस्पिटल लाया गया, और उसकी उस हालत का कारण ट्रेन से उस पत्थर पर गिरना था। मैम कोर्ट इज ए प्लेस ऑफ रीजन, राम्या की मौत पत्थर पर गिरने से हुई है, पर वो गिरी कैसे? किसी ने उसे धक्का दिया, वो खुद गिरी, ये तो कोई नहीं जानता। ये देखिए प्राइम विटनेस नंबर 1 को लगता है कि वो खुद कूदी थी, विटनेस नंबर 2 को लगता है कि वो गिर गई थी, जबकि विटनेस नंबर 3 को लगता है कि उसे धक्का दिया गया था। तो मैडम इसमें अरविंद ने मर्डर किया ये कहां प्रूव होता है? मैडम डिफेंस के इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वी नीड सम टाइम, और तब तक अरविंद को पुलिस रिमांड में भेजने की इजाजत दी जाए। आई ऑब्जेक्ट टू ऑनर, पुलिस रिमांड में इस बेचारे गरीब की जान चली जाएगी। कुकनूर साहब आपको अफोर्ड करने वाला कोई इंसान गरीब कैसे हो सकता है? रिमांड ग्रांटेड, कोर्ट विल मीट इन 15 डेज। थैंक यू मैडम। नायर इस अरविंद की ठुकाई करके फायदा नहीं है, इसका मुंह खोलने के लिए कुछ और करना होगा। ए, ए, साहब थोड़ा खाना दे दे साहब। ए साहब
पानी दे दे साहब, मैं सब कुछ बताता हूँ, पानी दे दे साहब। कन्फेशन पे इसे साइन ले लो, साइन कर। एविडेंस और विक्टिम के कन्फेशन स्टेटमेंट के अनुसार अरविंद कुरूप ने ही रामिया अय्यर को ट्रेन से फेंका, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। मैम, कन्फेशन वाज फोर्स्ड। पुलिस रिमांड में क्या क्या होता है सब जानते हैं। मैडम, मेरे को इतना मारा कि मुझे साइन करना पड़ा, नहीं तो लॉकअप में ही दम तोड़ देता। फिर ट्रीटमेंट करवाया ताकि किसी को पता ना चले। मैडम, पुलिस कस्टडी में इसे हाथ तक नहीं लगाया गया। मैं सिर्फ आपके दिए हुए डॉक्यूमेंट्स रीड कर रही थी, बट ये एक्स्ट्रा जुडिशियल स्टेटमेंट्स है और ये स्टेटमेंट किसी मैजिस्ट्रेट के सामने लिए नहीं गए, है ना? जी मैडम। तो प्रोसिक्यूशन को पता होना चाहिए, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल स्टेटमेंट कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं होते। अरविंद कुमार अवॉर्डेड कैपिटल पनिशमेंट। चल जल्दी कैमरा लगा। पुलिस और प्रोसिक्यूशन को दिया गया एक्स्ट्रा जुडिशियल कस्टडी कन्फेशन वैसे तो कोर्ट में मायने नहीं रखता, पर रमैया अय्यर के केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बताते हुए जज ने ये कन्फेशन एक्सेप्ट कर लिया है। सर, इस फैसले पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाईकोर्ट है ना, हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे। रम्या रेप केस के प्राइम अक्यूज अरविंद के डिफेंस लॉयर बीपी कोकनूर को किसने और किस मकसद से केस लड़ने के लिए फंड किया था, ये राज आज भी बरकरार है और बीपी कोकनूर ने कभी इसका खुलासा नहीं किया। लेकिन झूठ की वकालत चाहे जितने भी प्रभावी ढंग से की जाए, जीत हमेशा सच की होती है।
पर इस सच को स्वीकार करना हमेशा दुखद होगा कि रम्या अय्यर अब अपने परिवार के साथ नहीं है। साल दर साल सिर्फ विक्टिम के नाम बदल जाते हैं, लेकिन ऐसे गंभीर मामलों की रोकथाम के उपचार निरर्थक साबित हो रहे हैं, जिस पर हम सबको गौर करने की जरूरत है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।